आए दिन आपने खबरें तो बहुत सुनी होंगी, पर आज की ये जो खबर है आपको चौंका देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या भला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक खबर के बारे में जो कि हरदोई जनपद से है, जहाँ सांपों के आतंक से परेशान एक बुजुर्ग ने कुछ ऐसा किया जिसे देख सब दंग रह गए। हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला तब सामने आया जब यहाँ पर एक बुजुर्ग को सांप ने काट लिया। दरअसल पूरा मामला शाहबाद थाना क्षेत्र के वासित नगर गाँव में रहने वाले सुरेश चंद द्विवेदी के घर का है, जहाँ बुजुर्ग ने बताया कि उसके घर में आए दिन लगातार सांप के बच्चे निकल रहे थे, जिन्हें वो पकड़कर हर बार घर के बाहर छोड़ दिया करता था। हर रोज की तरह एक बार फिर सुरेश चंद के घर के बाहर उस समय दो कोबरा सांप के बच्चे निकले जब घर के बाहर उसके दो पोते पोती खेल रहे थे। हालांकि सुरेश चंद को ये बात बखूबी अच्छे से पता थी कि कभी भी सांप निकल सकता है, इसलिए वो घर के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहता रहता था, जिसके बाद वो घर के बाहर इसलिए नजर बनाए हुए था क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। तभी अचानक दो कोबरा सांप के बच्चे घर के बाहर निकले, जिन्हें वो हर रोज की तरह बाहर छोड़ने के इरादे से पकड़ने लगा। इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया, लेकिन सुरेश चंद ने डरे बिना साहस से दोनों सांपों को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर सांपों को लेकर शाहबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया, जहां उसने पूरी घटना की जानकारी विस्तार में डॉक्टर से बताया। सर्वप्रथम डॉक्टर ने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उसे भर्ती कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। वहीं पूरे मामले में सीएचसी पर मौजूद डॉक्टर धर्मेंद्र का कहना है कि सुरेश चंद का इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति अब सामान्य है। श्री चंद सनाव राम विलास 65 साल की उम्र है। उन्होंने जैसा कि उनके साथ वाले सांप काटे हुए गए हैं और सांप को डिब्बे में बंद करके गए हैं। अभी उनके एसबी टेस्टिंग और प्राथमिक उपचार करके ऑब्जर्वेशन में रखा गया आगे के लिए, बाकी उनकी ट्रीटमेंट।